अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपके परिवार के लिए जो सबसे योग्य कन्या है उसका चित्र वहां उस जलपात्र में प्रकट होगा। वही लड़की है जिसे आप सब लोग देखने गए थे। आनंद हो। ये इसी से होगा आपके बेटे का विवाह और यही बनेगी आपके घर की बहू। आप समझ लीजिए, पूरे विश्व में इससे अच्छी कन्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। ढोंगी बाबा बनकर उल्लू बना रही है हमें। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। ये देखो, ये है इसकी असलियत। साधु है ये। लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब का तमाशा है? नहीं नहीं, तमाशा नहीं है, मेहनत है आपको मनाने की। ए लड़की, ना कहा था ना उसे, तो फिर काहे को पीछे पड़ गई है? लगता है इसे नहीं मानेगी। तेरी ये नौटंकी, मेरी अम्मा को पता नहीं पड़े। नहीं नहीं नहीं, अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। हम सच्ची आपको मनाना ही चाहते थे, पर हमें ना समझ में नहीं आ रहा था कि हम माफी मांगे तो आखिर मांगे कैसे। बुआ जी, इतनी बुरी नहीं है कि आप इसे माफ ना कर सको। आप इसके तरीकों को छोड़िए, इसकी नीयत को देखिए, देखिए इसकी मेहनत को, जो आपको मनाने के लिए क्या क्या किया है इसने। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जो मैं देख पा रहा हूँ आप क्यों नहीं देख पा रही हो। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सच कहूं तो मुझे अनमोल पसंद है। पूछा है किसी ने? चिची, लड़की हमें भी भाग गई है। चिची, आप खुद सोचिए ना, अगर ये लड़की बुरी होती तो क्या ये हमारी जान बचाती? इसने हमारी जान बचाने के लिए अपना खून दिया है। मम्मी, हमें अनमोल बहुत पसंद है। अब आप ही कहती है ना कि जिसकी नीयत साफ होती है वही उस इंसान की असली पहचान होती है। अब देखिए ना, इस बेचारी ने सिर्फ आपको मनाने के लिए कितना कुछ नहीं किया। और मैं सच कह रही कि इसके जैसी लड़की ना हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जीजी देखो, आप लड़की सबको पसंद है तो आप भी मान जाओ ना। देखिए, बचपन से हर बात माने हैं आप, आज आप इन बच्चों की खुशी के लिए आप हाँ कर दो ना।
प्लीज। तुम्हारे घर वाले हमारे घर आकर बात करेंगे। बहुत बेइज्जती हुई थी उस दिन हमारी। इज्जत से आकर हाथ जोड़कर रिश्ता मांगना पड़ेगा। हाँ रमन, मैं बाहर आ गया हूँ, तुम लोग आ जाओ। ओके। जिद्दी, अरे जिद्दी सुनो तो एक मिनट। बेटा बस थोड़ी देर हो, सब लोग आ जाए फिर चलते हैं। ओके पापा। कहाँ रह गए थे आप लोग, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, कहीं के मनीष्टर सिस्टर हो है? जो कोई नई योजना बना देते। हाँ यार, बड़ा समय का हिसाब बताने वाला। जाके देखना तेरी माँ कहाँ रह गई है, इंतजार कर रहे गाड़ी में। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आज मिली है हमें। ये किस लिए? बेटी नहीं है हमारी, सोचा था कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर वो आज कभी पूरी नहीं हुई हमारी। अब तुम्हारा साथ है ना, तो हमें लगता है कि वो आज हमारी पूरी हो जाएगी। बेटा, दुनिया में हजारों लोग होते हैं, और हजारों लोगों में से कोई एक होता है जिनका दिल साफ होता है, और तुम उनमें से एक हो, इसीलिए शायद अनमोल हो तुम। आंटी जी, आपने तो हमारी इतनी तारीफ करके हमें भावुक कर दिया। आज से आंटी नहीं, माँ कहोगी ना तुम। तो बोलो माँ। रोना नहीं, बस वो दिन अब जल्दी से आ जाए कि तुम हमारे घर में अपने कदम रखो और हमारे घर को खुशियों से भर दो। ये लो, इस किताब में ना चौहान परिवार के सारे सदस्यों के तस्वीरें और नाम है, घर में सबको दिखा देना। वो क्या है ना,
जीजी को बहुत अच्छा लगता है जब उनके खानदान के बारे में सब लोग बातें करें। मम्मी ये बाद में पढ़ लेगी, फिलहाल के लिए चलिए वरना बुआ बार में सुखरीपा फोड़ लेंगी। हाँ चलते हैं, अपना ध्यान रखना। यही कहते हैं ना जाते टाइम अंग्रेजी में। यस, लेकिन तुम्हें इतने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, तुम जो कुछ भी बोलती हो क्यूटी लगती है। अच्छा तो अब मैं चलता हूं ताकि वापस आ सकूं। काजू, हमारी शादी होने वाली है, हम दुल्हन बनेंगे और अपनी बारात में नाचेंगे। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे